क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत लेइए भाई, थोड़ा डर रहा है मेरा। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। ये देखिए गाइस, कितने सारे सावर डियर। और इस जगह से अभी ना पीकॉक की कॉल भी हो रही है, बट ये बेसिक कॉल है, ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेस कॉल कहें हम इसे। देखने कितने सारे सांवर डियर। आराम से मस्त होके अभी चारा ले रहे हैं। इस तरफ काफी सारे हैं, इधर एक है, तो चलो अभी थोड़ी स्टार्टिंग में ही सांवर डियर देखने को मिले हैं। आगे भी चलकर काफ़ी सारे अभी एनिमल्स की साइटिंग है, वो भी देख लेते हैं। सामने की तरफ से पिकॉक की कॉल हो रही है, बट ये नॉर्मल सी है, ये समझ में नहीं आ रहा कॉल किस तरह की हो रही है अभी ये, क्योंकि इस जगह पे ना सांवर डियर भी, इन्हें भी किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। होता क्या है कि सांवर डियर की जब कॉल होती है ना, तो वो कंफर्म कॉल होती है। जैसा कि कहा जाता है ना, सांवर डियर जंगल का गधा है। ये इसलिए इसे गधा कहा जाता है कि इसका ये मानना होता है, जब तक ये खुद से अपनी आँखों से खतरे को ना देख ले, जब तक ये कॉल नहीं करता और जब तक उस जगह से हिलता भी नहीं है। तो इसीलिए इसे जंगल का गधा कहा जाता है, जब तक कि अपनी आँखों से खतरे को ना देख ले, जब ये देख लेता है ना, उसी के बाद कॉल करता है। तो अभी इस जगह पे काफ़ी सारे हैं, पूरा ग्रुप है इनका। ये देखिए सामने एक इधर आ रहा है सड़क की तरफ, अभी ये सड़क क्रॉस करने को है। ये देखिए सड़क पे आ गया, काफी इजीली इसने अभी सड़क क्रॉस भी कर ली है, देख रहे हैं? ये चला गया सामने, और अभी ना इस साइड में हैं ये भी अभी बारी बारी करके आएंगे। ये देखिए आ चुका है एक और आगे की तरफ, ये देखिए ये भी थोड़ी आगे बढ़ के आ गया। ये टाइम हो गया इनका अभी सड़क क्रॉस करने का, जंगल से रिवर साइड को मूव करने का। फाइनली इसने भी क्रॉस कर लिया। ये देखिए दूसरा तीसरा भी आ चुका है।
और भी सारे हैं और इस जगह पे हैं। तो अभी ना इन्हें सड़क क्रॉस करने में हो रही है डिस्टर्ब। आई थिंक मैंने इतनी दूरी बनाई हुई है उसके बाद भी थोड़ी ये क्रॉस करने में घबरा रहे हैं, तो अभी मैं इस जगह से आगे चल रहा हूँ। आगे की तरफ ना गाइस इस जगह पे ये देखिए स्पॉटेड डियर जो अभी मुझे देख करके थोड़ी जंगल की तरफ बढ़ गए हैं, क्या कि थोड़ी अंधेरा होने लगा है ना, तो अभी मुझे भी इस जगह से आगे चलना चाहिए। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे की हलचल। पत्ते ये वैसे वो दिखाई नहीं दे रहा है। चलो चलते हैं आगे। अच्छा लग रहा है ना काफी है, कोई डर नहीं है इसके अंदर। अभी अब घास भी तो बहुत सारा हो गया इनके लिए। यहाँ खुले में हो रहा है, खुले में आने का भी रीजन है ना, खुले में एक तो इन्हें चीजें दिख जाती हैं, खतरा इन्हें पता चल जाता है। आगे आगे टाइगर है। कहाँ पे मुझे नहीं दिखा। काफी सारे हैं इस जगह पे, बस वही हो गया कि ये घास की वजह से ना दिख नहीं पा रहे हैं सही से। और पूरा का पूरा ग्रुप है भाई, है कम से कम 100 होंगे इस जगह पे। जगह जिस तरह से हरी हरी हो गई है ना, अब कहीं ना कहीं खतरा भी हो गया है बाइक वालों के लिए। बाइक वालों को तो कभी भी भाई पता ही नहीं चलेगा सामने है क्या, छुप जाएगा वो आराम से, वो तो वैसे भी माहिर है छुपने में। आगे आगे चलिए
सांवर डेयरी है। इस दीवार के पीछे है, दिखाई नहीं दे रहा है। इधर की तरफ भी है, यहाँ पे तो स्पॉटेड डियर है। वही है यार, काफी ज्यादा पत्ते पेड़ पौधे हो गए ना, तो क्लियर नहीं हो पा रहे। ये तो हैं तो चीजें काफी सारे। इसके एंटीलर दिखाई दे रहे, देख नहीं रहा बट ऊपर की तरफ अभी नहीं। अरे वाह, देख लिया। काफी अंदर है यार जंगल में। उधर की तरफ भाई ये तो पूरा ही भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, और पूरा भरा हुआ है। आज तो काफी ज्यादा साइटिंग हो रही है। पूरा सांवर डियर, स्पॉटेड डियर, ये पूरा सांवर डियर का झुंड इस जगह पर। देख रहे हैं कितने सारे, कितने सारे। तो चलो अभी थोड़ी चलते हैं इस जगह से भी आगे, क्योंकि तो आज थोड़ी देखना है। गांव में हुई है, एक गाय पर टाइगर ने अटैक किया है, और आज रात उस जगह से देखते हैं किस तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है। अदरवाइज आज साइटिंग तो एनिमल्स की काफ़ी ज़्यादा है इस जगह पर, काफ़ी ज़्यादा गाइस। तो अभी फाइनली आ चुका हूँ फनोद के बड़े नाले पर। थोड़ी ना आज बोलने की कमी कोशिश कर रहा हूँ, आज साइटिंग हो रही है ना, तो वो चीज़ें देखने में आ रहा है मज़ा। बोलना तो रोज ही है, बट कभी कभी शांत माहौल भी बना लिया जाए। देख रहे हैं आज फनोद के बड़े नाले पर भी हमें स्पॉटेड डियर मिल गए। दूसरी साइड इस जगह पे ना सांवर डियर भी है, सांवर डियर भी है सामने। ये देखिए नीचे की तरफ सांवर डियर देखने को मिल रहा है। ये देखिए नीचे की तरफ कुछ हलचल जरूर नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे ना सांवर डियर भी है, स्पॉटेड डियर तो है ही, सांवर डियर भी। ये जगह, इस जगह पे ना अभी टाइगर की मूवमेंट देखी जा रही है। काफ़ी सारे लोग इस जगह पे ऑलरेडी टाइगर को देखने के लिए रुके हुए हैं। सामने अंकल जी देखने की कोशिश कर रहे हैं दूरबीन के जरिए। तो थोड़ी देखते हैं इस जगह पे बंद करके, और सामने फॉरेस्ट की तरफ आई थिंक अभी टाइगर है, क्योंकि मैं था मोहन की तरफ, और मोहन की तरफ से मैं नीचे को आ रहा था जब भी मुझे पता चला। और सामने ये देखिए बोरविल, ये आ रहा है देखो,
देख रहे बोरविल ये गया, ये बोरविल है। सुअर था, सुअर था, हाँ। अभी तो बोरविल तो आ गया, कथा है क्यों कथा क्या अभी है क्या कि ना उस जगह पे बोरविल आ चुका है जहाँ पे टाइगर कल लेकर गया था गाय को मार करके। ऐसे तो टाइगर गांव में इस जगह से अंदर की तरफ से ना कल शाम ही टाइगर को देखा गया था और टाइगर ने किल कर लिया था पालतू गाय का। तो उस जगह पे उसके निशान तो है नहीं जो दिखाई दें हमें, बट अभी आप चेक कर सकते हैं इस जगह पे ना काफ़ी सारी भीड़ है और काफ़ी सारे लोग अभी इस जगह से ऑलरेडी देख चुके हैं टाइगर को। बट अभी ऐसा कहा जा रहा है कि इस जगह पे टाइगर है और अभी फिर से इस जगह पे आया था और अभी गया तो है, बट जो मैंने फाइनली देखा है और आपको दिखाया भी है कि बोरविल आया है। तो बोरविल आई थिंक गाय के पास में आ गए जहाँ पे गाय मार करके रखी है टाइगर ने। और जैसा कि आपको पता है कि टाइगर की आदतें हैं गाइस ये, अगर वो किसी जगह पे कोई एक्टिविटी करता है ना, जैसे कि कोई किल करता है, तो उस जगह पे ना दोबारा जरूर आता ही आता है। तो ऑलरेडी पहले आज दिन में भी वो इस जगह पे आ चुका है और अभी भी काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी खड़े हैं जो चश्मदीद गवाह हैं इस जगह पे, जिन्होंने अभी टाइगर को देखा है। तो थोड़ी बनते हैं इस जगह पे और देखने की कोशिश करते हैं। बाकी तो गाइस अभी रात में भी इस जगह पे आऊँगा मैं, देखते हैं आज की रात इसी जगह पे होने वाली है। यहीं बीच में है क्या, बहुत ही बड़ा है यार। सबसे पहले मैंने वहाँ पर देखो पेड़ की आड़ को, पेड़ की आड़ को देखा मैंने, वो मैंने झस से देखा, मैंने देखा यही यहीं है वो, पता नहीं कब नीचे आ गया यार, अब पता नहीं कब आ गया नीचे एकदम, और आते वक्त लोगों ने देख लिया एकदम, पत्थर फेंकने पड़ेंगे बीच में तभी जाएगा भाग। ये वाला पेड़ है ना, इस पेड़ के जड़ के पास जड़ के थोड़ा आगे ये जो पत्ता पलट सा रहा है, वो बीच में से आगे ठीक, वो तो मैं ध्यान से गौर नहीं करा। काफी भीड़ हो रही है इस जगह पे। तो अभी हो क्या रहा है कि गाइस देवी चौड़ा की तरफ गर्जिया चौकी के पास में ना उस जगह पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, टाइगर उस जगह पे ऑलरेडी किल करके बैठा हुआ है गाय का। और ठीक अभी मैं आ चुका हूँ थोड़ी पनौत के छोटे नाले के पास। तो अभी ना कुछ देर पहले इस जगह से भी कॉलिंग हो रही थी और लोगों का कहना है कि इस जगह पे भी टाइगर है, काफ़ी सारे लोग अभी इस जगह पे भी हैं और अभी देखने की कोशिश कर रहे हैं। बट है क्या कि हल्के हल्के से अंधेरा अपने आगोश में इस उजाले को लेता जा रहा है और अंधेरा होने वाला है गाइस। तो फाइनली गाइस अभी है क्या कि मैं तो आ चुका था घर, क्योंकि मौसम पूरी तरह से हो चुका था चेंज। आप चेक कर सकते हैं अभी आसमान में आपको लाइटिंग जरूर बीच बीच में देखने को मिल रही होगी। तो अभी है ना कि हल्की हल्की बारिश की बूंदें आने लगी हैं और अभी फाइनली उस जगह तक तो जा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बारिश होने की वजह से अभी उस जगह पे जा नहीं सकता और फिर रात का समय तो वैसे ही ख़तरनाक हो जाता है इस जगह पे। तो कुछ यही चीज़ें थी गाइस, अगर कुछ और चीज़ें रात के समय दिखा पाता तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता, बट अभी ना बारिश और तूफ़ान ने पूरी तरह से चीज़ों को बदल दिया है। तो था क्या कि जो वहाँ पे लोग थे ना, उन लोगों का कहना था कि कल शाम अंधेरे में टाइगर गांव में आया, उसने गाय को किल किया और उठा करके लेकर चला गया, ना कि रगड़ करके, उठा करके लेकर गया पूरा गाय को। तो अभी पूरे दिन भर में आज के दिन उस जगह पे 2 से 3 बारी टाइगर को देखा गया और फाइनली जब अभी शाम को मैं उस जगह पे गया था ना, तो फिर उस समय
दोबारा उन लोगों ने टाइगर को देख लिया था, और बट मैं उस जगह पे जा कर के देखा तो मुझे तो वॉरविल देखने को मिला, और काफ़ी ज़्यादा गंद भी उस जगह पे आ रही थी। तो कंफर्म ही था गाइस कि उस जगह पे ना टाइगर आ चुका है, और वो जो गाय को किल करके लेकर गया था उसे खाने की तैयारी में लगा हुआ था। तो कुछ यही चीज़ें थी और यही अपडेट के रूप में अभी है कि उस जगह पे टाइगर है, मतलब सुंदरखाल में अभी आप कह सकते हैं टाइगर बना हुआ है गाइस। तो फाइनली गाइस करते हैं इस कंटेंट को अभी यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। आई होप कि आपको आज का कंटेंट जरूर पसंद आया होगा, साथ ही अगर आपको चीज़ें पसंद आई तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा गाइस। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में, जब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।